Assalamualaikum. Bakera gali jian ko shamadi to my all YouTube family. Hope you will be fine and doing great. Aa chuke hain hum dono yani ke RJ Faiza Mughal and RJ Hamza Sheikh. और प्लेटफॉर्म है आपका जाना पहचाना रेडियो सनशाइन और प्रोग्राम है आपका मनपसंद यानी कि लेसन ऑफ लाइफ। तो बताइए, समझाइए, सुनाइए, कैसे हैं आपके हालात, अहवाल, एहसासात, ख्यालात और जज्बात, और क्या किया आपने लास्ट पूरा वीक? जनाब, हमने तो आपको बहुत मिस किया। चले, अब थोड़ी सी बात करने का मौका हम हमजा को भी दिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम फायजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिसनर्स भी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड, हमारी दोनों की माशाल्लाह यही उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स अच्छे होंगे और सुपर कूल तरीके से हमें मिस कर रहे होंगे। वैसे कितना मिस किया आपने अपने लिसनर्स को? लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि यू मिस मी जितना, आई मिस यू उतना। और अगर किसी लिसनर ने आपको मिस ही ना किया हो तो ये मैंने पहले ही कह दिया ना, यू मिस मी जितना, आई मिस यू उतना। ओके, हो गया। तो हमारे लास्ट प्रोग्राम को हमजा, आपको पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है जनाब, और लोग आपकी मोटिवेशनल स्टोरी के फैन होते जा रहे हैं, और आपके सबसे बड़े फैन ने आपको मैसेजेस भी किए हैं, तो कुछ उनकी तरफ भी रोशनी डालिए जनाब। सबसे पहले तो मैं सबका थैंक्स करता हूँ कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट के थ्रू, और हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं हमारे कहने पर। इसमें एक मैसेज आया था, इसमें एक नाम है पारिस खान, तो वो हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत हमें अच्छा लगता है, उनके कमेंट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा और भी हमें जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत पसंद किया, और अगर वन बाय वन हम उनका थैंक्स करने लग जाएंगे तो लगता है हमारे शो की टाइमिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन माय डियर ऑल लिसनर्स, आपने अपना कीमती टाइम हमारे हम दोनों के लिए दिया, इसके लिए स्पेशल थैंक्स। तो क्या ख्याल है आरजे हमजा, चलें हम पोएट्री की जानिब? जी बिल्कुल, पोएट्री की तरफ चलते हैं, और पोएट्री आज की है कि इस तरह से ना आजमाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, इस तरह से ना आजमाओ मुझे, उसकी तस्वीर मत दिखाओ मुझे, एन मुमकिन है मैं पलटाऊं, उसकी आवाज में बुलाओ मुझे, और मैंने उससे कहा था याद मत आना, और मैंने उससे कहा था याद मत आना, झूठ कहा था, याद आओ मुझे, याद आओ मुझे। ओ, तो अब हम आरजे हमजा को किसी और की आवाज में बुलाएं, तो कैसे बुलाएंगे आरजे हमजा? वैसे आपकी पोएट्री तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग थी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, सारे राज खोले थोड़ी जाते हैं फैजा। अच्छा, मतलब आप राज भी रखते हैं? रखने पड़ते हैं। वाओ, तो आरजे हमजा क्या ख्याल है, स्टोरी की जानिब चले? जी बिल्कुल फैजा, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, और चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। सो आज की स्टोरी जो है बहुत खास होने वाली है, इसलिए कि इसका मैसेज बहुत प्यारा है। तो चले हम स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी एक बादशाह पर है, वो बादशाह पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, उसकी लेफ्ट साइड की आई नहीं होती और राइट साइड के पैर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी रियाया उससे काफी खुश होती है और वो बादशाह भी काफी खुश रहता है। एक दिन वो अपने महल में अपने सिपाही के साथ घूम रहा होता है, तो वो उस गैलरी में जाता है जहां उसके दादा की, उसके वालिद की और उनकी तस्वीरें लगी होती हैं। तो वो देखता है अपने दादा की, अपने भाई की, अपने वालिद की, और एक साइड देखता है, वहां वो दीवार खाली होती है, तो वो सोचता है कि यहां जो है अब मेरी तस्वीर आएगी। लेकिन वो बादशाह ये सोचता है कि मैं ऐसा हूं तो मेरी तस्वीर कैसे अच्छी आएगी, तो वो सोचता है कि क्यों ना
मैं खुद मरने से पहले अपनी एक पिक बनवाऊं, अपनी एक पिक्चर रेडी करवाऊं। तो वो अपनी रया में ऐलान करवाता है कि जो मेरी तस्वीर बहुत अच्छी बनाएगा उसको मैं बहुत अच्छे इनामात से नवाजूंगा, लेकिन जो मेरी पिक अच्छी नहीं बनाएगा वो मेरी सजा से वाकिफ है, उसे अपनी जान देनी होगी। तो ये सुन के काफी सारे लोग इनाम की लालच में पिक्चर बनाना चाहते थे, बट वो आगे नहीं आए। लेकिन उस रियाया में एक लड़का था, उसने कहा बादशाह सलामत मैं वो पिक बनाऊंगा, आप मुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे दें। तो बादशाह कहता है कि जी बिल्कुल, आप मेरी तस्वीर बनाएं, 10 दिन बाद आप लेके आना। वो लड़का अपने घर चले जाता है और रियाया में बातें शुरू होने लग जाती हैं कि हमारे बादशाह की कैसी पिक बनेगी। और वो इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि 10 दिन बाद जब वो लड़का तस्वीर लेकर आएगा तो हम देखेंगे कि उसने क्या ऐसा किया है और उसका सर कलम होता है या फिर उसको इनाम मिलता है। तो टाइम पूरा होने पर सारी रियाया जमा हो जाती है बादशाह के दरबार में, वो लड़का नहीं आता। थोड़ी देर गुजरती है कि वो लड़का हाथ में एक पिक्चर लिए, उस पर कपड़ा डाले लेकर आ रहा होता है। वो लाकर बादशाह सलामत के सामने रखता है और बादशाह को कहते हैं कि बादशाह सलामत ये मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, आप देखें आपको पसंद आएगी। और वो लड़का कपड़ा हटा देता है। बादशाह उस तस्वीर को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि मैंने जो इनाम का तुम्हें कहा था मैं उसके अलावा भी तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। रियाया में लोग परेशान हो जाते हैं कि ये लड़का आखिर क्या बना कर ले आया है कि बादशाह इतना खुश है। वो रियाया सिपाही को कहते हैं कि बादशाह से कहो कि ये तस्वीर हमें भी देखनी है। सिपाही बादशाह के पास जाता है और ये दरख्वास्त पेश करता है कि बादशाह सलामत आपकी रियाया ने आपकी तस्वीर देखनी है। बादशाह सलामत कहता है कि ये जो पिक्चर ये लड़का बनाकर लाया है, मेरी पूरी गैलरी में ऐसी कोई तस्वीर लगी ही नहीं, और ये जब लगेगी तो ये सबसे अच्छी होगी। जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, पूरी रियाया को ये तस्वीर दिखा दो। रियाया ये जान के बहुत खुश होती है कि बादशाह ने उनको तस्वीर देखने का मौका दे दिया है, और इसी लम्हे वो लड़का अपने इनामात लेके चले जाता है। तो रियाया को जब वो तस्वीर दिखाई जाती है तो उस लड़के ने वाकई कमाल कर दिया होता है। उस लड़के ने बादशाह को घोड़े पे बैठा हुआ दिखाता है और बादशाह तीर और कमान पकड़ के निशाना लगा रहा है किसी चीज को, तो उसकी लेफ्ट आई बंद है जैसे निशाना लगाते हुए अक्सर की जाती है, और जाहिर है उसका राइट पैर जो है वो घोड़े के उस तरफ चला गया तो वो नजर ही नहीं आया। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है कि उस पूरी रियाया में किसी ने हिम्मत नहीं की बादशाह की तस्वीर बनाने की, सबको अपनी जान के लगी हुई थी, लेकिन इस लड़के ने इस चीज को ख्याल ही नहीं किया। क्योंकि जब आप जो है एक चीज को ठान लेते हो ना तो फिर आपकी जीत पक्की हो जाती है। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना इतना हाई रखो कि सारी परेशानियां आपको बहुत छोटी सी लगने लगे। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, कैसी लगी आपको फैजा जी? तो हमजा, मुझे आपकी स्टोरी बहुत जबरदस्त लगी, और जो आखिर में इस पेंटर ने काम किया ना, अपनी पूरी स्किल्स को यूटिलाइज करके एक बहुत ही जबरदस्त सी पिक्चर उसने पोर्ट्रे कर दी। और मैं कहती हूँ कि जब इंसान का कोई पैशन होता है ना, वो पैशन इंसान को आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। तो देखे, उसने एक पिक्चर बनाकर अपना आगे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखो तो उस लड़के ने हार नहीं मानी। उस रियाया में और भी बहुत लोग थे जो हार मान चुके थे, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। तो आपकी लाइफ में भी कभी कोई भी किसी भी तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए, और इंशाल्लाह एक बार जब आप किसी चीज को ठान लेते हो ना तो आपकी जीत पक्की हो जाती है।
क्योंकि हमजा मेरे नॉलेज में है, या तो इंसान की जीत होती है या सीख होती है, ये हार बार कुछ नहीं होता। ऐसे ही है, तो मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूंगा, तो ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, कमेंट का इजहार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत जरा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे और फायजा को दीजिए इजाजत, फिया मानेला, टाटा बाय बाय।